सामान्य डिग्रियों की निगरानी जांच में ढिलाई होने पर हाईकोर्ट ने काफी सख्त तेवर अपनाए हैं। अदालत ने कहा है कि जो शिक्षक अपनी डिग्री की जांच में कोताही बरतते हैं उनका फरवरी से वेतन रोक दिया जाएगा। राज्य के 3 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों में से फर्जी अमान्य डिग्री धारियों को चिन्हित करने के लिए निगरानी जांच में तेजी लाने के लिए पटना हाईकोर्ट ने यह सख्त आदेश अपनाया है। चीफ जस्टिस संजय करोल तथा जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी दी है। कोर्ट ने निगरानी ब्यूरो को भी 2 हफ्ते की मोहलत देते हुए अध्यतन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस रिपोर्ट के बाद यह पता चलेगा कि अब कितनी डिग्रियां की जांच हो गई है। जांच में 1275 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता और निगरानी ब्यूरो के सीनियर एडवोकेट अंजनी कुमार ने हाईकोर्ट को बताया है कि 3 लाख से अधिक शिक्षकों की रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है। इस जांच के दौरान 1275 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। करीब 489 प्राथमिकियां दर्ज भी करा दी गई। ढिलाई बरतने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। इस पर कोर्ट ने शिक्षा विभाग से इस काम में ढिलाई बरतने पर अफसरों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आगाह किया है कि जो शिक्षक अपने सर्टिफिकेट की जांच कराने में देरी और तथा ढिलाई कर रहे हैं उनकी वेतन फरवरी से रोक दी जाए और इस मामले पर 28 जनवरी को फिर से सुनवाई की जाएगी। न्यूज डेस्क, नेशन न्यूज, पटना।